हाय गाइस, दिस इज हेमंत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इज सैटरडे एंड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आई एम आउट फॉर अ शॉर्ट बाइक ट्रिप विद माय फ्रेंड दीपक एंड अभिषेक। तो अभी आज बाइक ट्रिप पे हम आए हैं चौरासी बंद, जो कि है ग्वालियर के पास में। और ये रहे अभिषेक, जो आए हैं अपनी हार्ले डेविडसन से 440X। तो अभिषेक का एक्सपीरियंस कैसा रहा पहले बार मेरे साथ में राइड मार के? मजेदार। क्या हो गया यहाँ पे? तुमको मिलेंगे डायनासोर्स खाने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, कि डायनासोर हमें खाने के लिए मिलेंगे? आज है सैटरडे, तो सैटरडे में रहती है बहुत ज्यादा भीड़। ये देखिए पूरा हाउस फुल है। सैटरडे को यहाँ हनुमान मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे ना पहले चाय वगैरह पी के फिर अंदर मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे और फिर हम थोड़ा सा आगे निकलेंगे। बढ़िया भैया, स्पेशल पकौड़े भैया बना रहे हैं हमारे लिए। आज बहुत भीड़ है। कितनी भीड़ ही लेनी है? मैं तो एक ही लेगा, देखते एक खा के फिर एक एक चाय लेना। सो इट्स अ रिचुअल, अगर आप यहाँ चौरासी मंदिर आए हो तो यहाँ पे सामने आके आपको बेड़े का चोड़ी खाना पड़ेगा, विच इज़ वेरी फेमस। और ये आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में देखी होगी ये जगह। वेटर थोड़ा साफ करते भाई। अरे वेटर साहब, वेटर साहब, मेरे ब्लॉग का ग्लैमर है वो। अरे वेटर साहब, अरे ठीक है, जब कोई आएगा तब देखा जाएगा। तो फाइनली हमारी बेड़ी आ गई है। मैंने बताया ना एज अ रिचुअल यहाँ पे आने के बाद मुझे लेना ही लेना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस अपने राइड की तरफ में। और ये रहे मिस्टर अभिषेक अपना कैमरा माउंट लगाते हुए। होपफुली इनके कैमरा को इनकी डायरेक्शन मिल जाए, काफ़ी मेहनत हो रही है। ही नहीं है दीदी पास, वो लड़का बहुत अमीर है उससे ले लो। हाँ इसी लड़के के पास बहुत पैसा है, इसी से ले लो। लौट के उसको लेके आता हूँ मैं। अभी हम निकल गए अपने रास्ते की तरफ और हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा इम्पीरियल गोल्फ रिजॉर्ट में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे जिसका नाम है इम्पीरियल गोल्फ रिजॉर्ट। तो ये थ्री मस्केटियर्स पहुंच गए हैं यहाँ पे। और पीछे लोकेशन देखो, इट लुक्स नाइस। अच्छा गाड़ी आएगी भाई, अंदर है, बहुत अंदर है। मैं तो बेसिकली मैं आए गोल्फ खेलने हूँ यहाँ पे। तुम्हारे गोल्फ स्टिक्स वगैरह कहाँ है मित्रों? निकालता हूँ, रुक निकालता हूँ, कोई फायदा नहीं है, जंग लग गई उसमें। आजा बैठ गया। तो ये गाड़ी की सवारी, मेरा हेलमेट ले ले प्लीज प्लीज। एक बैग, दूसरा बैग, दो हेलमेट। मेरा तो फिलहाल गाड़ी चलाने का मन कर रहा है। गोल्फ के लिए आते हैं आप लोग? नहीं आते। नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ इसलिए कोई नहीं आ रहा, मैंने बोला ही था।
बढ़िया यार, कमल वगैरह लगे हुए हैं पीछे देखो बढ़िया। तो अभी हम अपनी गोल्फ कार में गोल्फ खेलने के लिए जा रहे हैं विदाउट द गोल्फ स्टिक। एंड आई मस्ट से दिस प्लेस इज रियली नाइस एंड ब्यूटीफुल। कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। 2022 में खुला था। अच्छा, तभी नया नया है। काफ़ी सही है ना? अच्छा है। तुझे कहाँ से मिला था लोकेशन इसका? ऐसे सर्च कर रहा था नियर बाय। ओह माय गॉड, रिसर्चर। गाइस, दिस प्लेस इज वेरी गुड। आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू कम हियर फॉर एटलीस्ट फॉर वंस। हां, आगे दिखा रहा हूं मैं। कार्डियो हो जाता मेरा। अच्छा, अपन कहां से निकले? ये आपका रिसेप्शन, अंदर है रेस्टोरेंट। अच्छा, चलो चलो मजदूरों आ जाओ। चलन गड़वा, गाड़ी गड़वा, बस आ गई बात। लोकेशन देखते तो फॉर्मल करना। ओ हो, नाइस। रेस्टोरेंट किस है? ओ नाइस। ऑफिस हियर इज द रिसेप्शन एंड हियर इज सिटिंग एरिया एंड you can have some glass of water. Wow, this place is really really nice. ab main yahan pe rukne ke kitne charges hai? 6000 6000 ha, if you want to stay here it's around 6000 for one night. यही बोलूंगा यार, दिस प्लेस इज रियली ब्यूटिफुल। आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू कम हियर एटलीस्ट फॉर वंस। जस्ट लुक एट द प्लेस। क्या रूम है ना? हाँ मैं, हम अभी चलते पहले वो रेस्टोरेंट। चल तू जा, उसको तेरे तेरे लिए यूजफुल है। सो हियर आर रेस्टोरेंट चाइना टाउन। द थ्री चाइनीज आर इन द चाइना टाउन बेबी। थ्री चिंकीज इन द चाइना टाउन। This restaurant is really really amazing. I was not expecting this because मैंने जो pictures देखा था उसमें इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था, but I would say nice man, nice. ये अभी सब 2022 में बनाया, इसलिए that's completely new and दिख भी रहा है कि ये नया है और really amazing, amazing man. अभिषेक, what do you wanna say? एक्सपेक्टेड नहीं था कि आउटस्कर्ट में जो हमने पिक्चर्स देखे थे उससे बहुत ज़्यादा अलग है ना, मतलब अगर पूरी एक्सप्लोर नहीं था ना। हाँ, ये विदाउट शुगर है ना ये वाला? कैसा है नींबू पानी? जैसे अच्छा नींबू पानी, अच्छा नींबू पानी। हाइड्रेट होना जरूरी है भाई, गर्मी गर्मी पड़ रही है। वहाँ पे अपन जाएंगे खुले में, धूप में सड़के आएंगे। जाना क्यों है? मैं तो सोचा यहीं रुकते हैं थोड़ी देर, है ना, ज़्यादा बेटर है। और क्या, वो थोड़ा सनसेट वनसेट वाली जगह है वो, जहाँ अपन जा रहे हैं। हैज़ अ फूड, इसमें वेज फ्राइड राइस और ये चिली चिकन। चिली चिकन तो फिर भी थोड़ा मैनेजेबल है, लेकिन राइस मेरे को कम लग रहा ज़्यादा है ना। सो वी गॉट द कॉम्प्लीमेंट्री टी है एंड विद द कुकीज़, बट आई कॉन्ट ईट इट।
बिकॉज़ आई एम डायबिटिक गेन कर रहा है। शुगर फ्री बोला ना तेरे को लेने को, मैं नहीं ले सकता, आई कांट। लो लो सुन, लो सिंपली सब्सक्राइब गाइस। तो अच्छा सा लंच खत्म करने के बाद में अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ, पहले बाइक की तरफ, एक्चुअली जो पार्किंग में खड़ी हुई है। और मैंने ये कार्ट वाले भैया को बोला था थोड़ा सा एडवेंचर करा दूं, उन्होंने मुझे लास्ट में बिठा दिया है। बैठा नहीं तो जान बूझी मैंने। अरे वही बात है, वही बात एक ही है। ओके गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 और हमने की है बाइक एक्सचेंज, क्योंकि मुझे चला के देखना था ये हार्ली डेविडसन 440X कैसी चलती है। रिव्यूज़ तो काफ़ी देखे मैंने, और अभिषेक चलाएंगे हमारी इंटरसेप्टर। सो लेट्स गो, लेट्स राइड इट और देखते हैं कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस। इसका एग्जॉस्ट नोट तो अच्छा है, बट जो हार्ले में एक्चुअल मिलता है, जो हार्ले जैसी इसके फेमस है, वो थोड़ा सा मिसिंग है। बट ये सबसे अफोर्डेबल बाइक है हार्ले की, तो आई थिंक ये काफ़ी सही डील है। और इसका इनिशियल पिकअप काफ़ी डिसेंट है, जो ऑन पेपर है डेट इज़ 440cc मोटरसाइकिल एंड इट प्रोड्यूस अराउंड 27 BHP एट 6000 RPM एंड आई थिंक 38 Nm ऑफ टॉर्क। और सस्पेंशन मुझे थोड़ा सा इसका लगता है कि फ्रंट सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा सा कम है, जो कि ज़्यादा बेटर हो सकता था। रियर सस्पेंशन इसके ज़्यादा बेटर है, और ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस तो मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी रिफाइंड क्वालिटी लग रही है, तो आई थिंक इट्स अ गुड डील। बाकी अब इस राइड को एंजॉय करते हैं और वापस अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द थम्स आइकन। बाय बाय।